अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम रात को यहाँ पर जगलोट में हमने स्टे किया था, ये 7 स्टार होटल में, और ये कोई प्रमोशन के लिए नहीं बता रहा, लेकिन इनकी सर्विस अच्छी है और माशाल्लाह रेट्स भी इनके अच्छे हैं। आप आएँ तो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। ये बिल्कुल साथ ही जैसे जगलोट सिटी में आप एंटर होंगे ना, तो पेट्रोल पम्प के बाद ये आपको 7 स्टार रोड से आपको नज़र आएगा। तो अभी इंशाल्लाह हम निकलते हैं, अभी गिलगित के लिए अपना सफ़र शुरू करेंगे और इंशाल्लाह आज मुंद्रा जाएंगे और कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। रात को हम काफ़ी लेट नाइट पहुंचे थे और ड्राइव एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था रात का, काफ़ी दो जगह पे हमें पैकेज ख़राब मिले थे। अभी जो है तो यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह और फिर आगे इंशाल्लाह मुंद्रा में मजीद भी लाल जाना आपकी तरफ आएंगे इंशाल्लाह। ये तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि लास्ट के बाद हमें 2-3 जगह ऐसे ख़राब पैकेज मिले, तकरीबन 2-3 किलोमीटर के एरिया में, इसकी वजह से हम रात को काफ़ी डिले हो गए। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि हम गिलगित पहुंच जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पर रात को स्टे करना पड़ा। काफ़ी थकावट हो गई थी, हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि रिस्क ही आपको पता है इतनी लॉन्ग ड्राइव के बाद, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप भी जब आएँ तो गाड़ी रिस्क ना लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी नींद का ख्याल रखें, नींद पूरी होनी चाहिए ड्राइव के लिए, और जितना भी आप डे लाइट में ड्राइव कर सकते हैं अच्छा रात में ड्राइव कम ही करें। और इंशाल्लाह अभी गिलगित पॉइंट है और फिर मज़ीद वहाँ से आगे भी लॉन्ग स्टार्ट करेंगे उनका चाहिए। जी तो व्यूअर्स, फाइनली हम होटल से निकल पड़े हैं और अभी तकरीबन सुबह के 7:30 बजे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है और हमारे हौसले भी बुलंद हैं और इंशाल्लाह आज हम हर सूरत में हुंदा पहुंच जाएंगे और हुंदा करीमाबाद में इंशाल्लाह जाके हम स्टे करेंगे। ये जगलोट का मेन बाज़ार है, हम जहाँ से गुज़र रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, इतना ज़्यादा रश नहीं है, तो अभी हमारा सफ़र इंशाल्लाह थोड़ा जल्दी तय हो जाएगा। नॉर्मली यही होता है बाज़ार में, मार्केट्स वगैरह में, कि रश के टाइम में आप इतना इजीली ट्रैवल नहीं कर सकते, इतना फास्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम जितना भी कोशिश हो सकता है जहाँ पे हमें रोड खुली मिलती है तो हम थोड़ी सी स्पीड मारते हैं ताकि हम थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाएँ, लेकिन सेफली और अंडर कंट्रोल। लेकिन कंट्रोल से बाहर स्पीड नहीं मारनी है कभी भी, अंडर कंट्रोल हमेशा आप गाड़ी चलाएँ, मोटरसाइकिल चलाएँ, लेकिन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जी तो व्यूअर्स, हमारा सफ़र जारी है और माशाल्लाह रोड बहुत अच्छी है। बीच बीच में कहीं कहीं ये हमें जैसे कि आप देख सकते हैं ख़राब पैचेस मिल जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, लैंडस्लाइडिंग का इलाका होता है, तो आपने गाड़ी या मोटरसाइकिल बहुत ही एहतियात से चलाना है।
लेकिन रोड माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अभी हमारा सफ़र जारी है और गिलगित की तरफ हम रवाना दवा हैं। रास्ते में जो भी हमें कोई इस तरह की अच्छी चीज़ें, पहाड़ियाँ या पिकनिक पॉइंट या कोई भी इस तरह की चीज़ मिली, तो लाजमी ज़रूर आपसे हम शेयर करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट मनाजर हुए रास्ते के। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इन पहाड़ों में ड्राइव करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, गिलगित जाते हुए रास्ते में ये थ्री माउंटेन जंक्शन हमें मिला है, जिसके बारे में आपको बताते हैं। इसके पीछे जो थ्री माउंटेन है वो हिंदू कश्य, कराक्रम है और हिमालय है। इसमें तीन पहाड़ है, तो ये इन्होंने एक उसका डिजाइन सा यहाँ बनाया हुए, मॉर्नामेंट सा बनाया हुए, थ्री माउंटेन जंक्शन। ये गिलगित जाते हुए जगलोट से थोड़ा ही बाद तकरीबन कोई 2 से 3 किलोमीटर की मुसाफत के बाद ये जगह आ जाती है। तो आप दोस्त भी आए तो लाजमी इस जगह पिक्चर बनाए, वीडियो बनाए, बहुत अच्छी जगह है ये थ्री माउंटेन जंक्शन, को हिंदू कुश, हिमालय और कराक्रम। जंगलोट के बाद हम जिस मुकाम पे ठहरे थे, थ्री माउंटेन जंक्शन, तो हिंदू कुश, हिमालय और कराक्रम, तो अभी हम इन शहर वहाँ से निकले हैं। तो ये देखें खूबसूरत वादियों से नज़ारों से होते हुए हम गिलगित की जानिब रवाना दवा है। हमारा सफ़र जारी है और तकरीबन 34 किलोमीटर गिलगित रहेगा यहाँ से। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम 1 घंटे में कवर कर लेंगे और फिर वहाँ कुछ देर स्टे करने के बाद आगे हमदा का सफ़र करेंगे। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत प्यारे नज़ारे हैं। अभी यहाँ से गिलगित देखें 45 किलोमीटर रह गया यहाँ से। परी टनल, पाक चाइना परी टनल।
जी तो व्यूअर्स, गिलगित जहाँ से तकरीबन 11 किलोमीटर के फासले पे है, हमें एक बोर्ड मिला था इन्फॉर्मेशन का, उसमें चाइनीज़ में लिखा हुआ था लेकिन गिलगित 11 किलोमीटर हमने इसमें देख लिया था। तो अभी हमने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है, हम पहले गिलगित नहीं जाएंगे, हम वापसी पे गिलगित जो है ना आएंगे। तो अभी हम तकरीबन गिलगित से 10 किलोमीटर पहले ही एक रोड राइट साइड पर निकलती है हुंडा की तरफ, तो यहाँ से तकरीबन हुंडा 92 किलोमीटर है, 92 किलोमीटर। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आज हम पहुँच जाएंगे और हुंडा में हम कम से कम 2 दिन स्टे भी करेंगे और वहाँ पे जो मज़ीद व्लॉग बनाएंगे और जो जो एरियाज़ हैं वहाँ पे फेमस प्लेसेस हैं वो हम विज़िट करेंगे और आपके लिए उनके व्लॉग पेश करेंगे। तो इंशाल्लाह वहाँ पे हुंडा के बाज़ार और हुंडा के रवायती खाने और हुंडा के लोग, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे और आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, फाइनली पहाड़ों का नज़ारा करते हुए और इन हसीन वादियों से गुज़रते हुए, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी रोड है और अभी इस टाइम गुजर रहे हैं हम जुटाल के एरिया से। तो उम्मीद है हमारा सफ़र थोड़ा ही है और रोड माशाल्लाह अभी तक बहुत अच्छी मिली है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आज शाम को हुंडा पहुँच जाएँ और वहाँ पर 2 दिन क़याम करें। तो बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स, आप भी आएँ, लाजमी एक्सप्लोर करें ये इलाके, बहुत प्यारे इलाके हैं। यहाँ के लोगों के बारे में यही सुना हमने और क्राइम रेट हमने सुना है कि हुंडा का 0 है, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई ऐसा एरिया सुना है पाकिस्तान का जिसका क्राइम रेट 0 है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे अखलाक वाले और मोहब्बत करने वाले लोग हैं और यहाँ का जो मुझे और चीज़ पसंद आई, पहाड़ों का, चश्मों का पानी है, ग्लेशियर का जो पानी आता है बहुत मज़ेदार मीठा पानी है, यकीन करें खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाता है आपका। ग्लेशियर का पानी हमने जैसा कि देखा, पहाड़ों का पानी हर टाइम 24 घंटे बह रहा है बिना किसी रुकावट के। Thank you.
जी तो वीवर देखें माशाल्लाह ये पहाड़ों का कुदरती नज़ारा और वहाँ से निकलता हुआ चश्मा और ठंडा ठंडा और मीठा पानी ये ग्लेशियर से आ रहा है जनाब। कुदरत के नज़ारे देखें और कुदरत का हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, तो पानी ज़्यादा पानी का ख्याल करें, पानी बचाएं और ये बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है। ये ताज़ा फ्रेश पानी है और पहाड़ों से होता हुआ ये बहुत सी जड़ी बूटियाँ और इसमें बहुत सारे मिनरल ऐड हो जाते हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सामने देख सकते हैं जनाब ये ग्लेशियर का नज़ारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा नज़ारा है। कुकिंग के लिए गैस सिलेंडर नहीं, वो लोहे का ट्रेडिशनल होता है, हर घर में होता है, अब अक्टूबर नवंबर के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे बीच में होता है ना कमरे के, उसके ऊपर खाना भी पकता है, भी पकता है साथ में वो गर्माइश भी देता है। अच्छा 24 घंटे चलता है? नहीं बस सोने तक। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, हम अभी एक उमदा करीमाबाद के एक लोकल रेस्टोरेंट में मौजूद है। ये होममेड फूड है, यहाँ के लोकल फूड है, तो हमने एक डिश ट्राई करने के लिए मंगवाई है, तो आपको उसके बारे में बताते हैं। तो ये जो भाई जिन्होंने बनाई है ये खुद ही ज़्यादा बेहतर इस बारे में बता सकते हैं। भाई जी ये छप शुरू इसमें ये कुकिंग ऑयल में टच करके इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या डाली हुई हैं? इसमें कीमा है सर, कीमा के साथ प्याज फ्राई करके एक चपाती नीचे रखते हैं, उसके ऊपर फिर वो कीमा जो मावा बनाया हुआ होता है उसको रखते हैं, फिर वो एक चपाती ऊपर ठीक है उसको फोल्ड करते हैं जी। फिर ये इस तरह फोल्ड करते हैं, सही करें। फोल्डिंग के बाद फिर इसको तवे पे पकाते हैं, सही हो गया, ठीक है। हल्के आंच पे तवे पे पकाते हैं। अच्छा। अगर ऑयल टच करना चाहोगे तो ये ऑयल में बनेगा, ये है आपका सादा, ठीक है, बगैर ऑयल के हैं, मतलब ये बगैर ऑयल के हैं, वही चीज है लेकिन ये सादा है। जी 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 ये वही चीज है लेकिन ये सादा है, बगैर ऑयल के है, ये ऑयल में है, ठीक हो गया, सही है। अच्छा इसके बारे में बताइए। ये हो गया सर ब्रूशपिक। अच्छा इसमें भी प्याज और हम अपना देसी जो है लस्सी को थोड़ा बॉयल देते हैं, बॉयल लेकिन बॉयल के बाद जो पानी ऊपर जमा होता है उसको गिराते हैं, नीचे पनीर रह जाता है, सही है। पनीर को ना थोड़ा मलमल के कपड़े में ना छान के उसको थोड़ा गाढ़ा जैसा बनाते सही हैं है। उसको किसी बर्तन में डाला, प्याज को बिल्कुल हल्का काट के उसका अंदर मिक्स किया, मिक्स करने के बाद एक चपाती बनाते हैं नीचे, उसके ऊपर वो मावा डालते हैं, फिर एक चपाती ऊपर, पहले चपाती तवे पे खाली पकाना पड़ता है, ठीक हो गया, पका हुआ चपाती को ऊपर ये मावा डाल के बनाते हैं, फिर इसके ऊपर अखरोट का तेल लगा के देते हैं, सही हो गया, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी ट्राई करते हैं, तो इसके बारे में इंशाल्लाह पोस्ट करेंगे, हम वीडियो में अपलोड करेंगे। बस अनफॉर्चुनेटली अभी लाइट नहीं है, अगर लाइट होती तो इंशाल्लाह हमारी अच्छी वीडियो बन जाती, लेकिन क्योंकि लाइट की वजह से मूड भी खराब है, बातें भी नहीं निकल रही है, तो अभी शायद खाएंगे आपकी लोकल डिश, शायद कोई एनर्जी आ जाए तो बातें हमारी वापस आ जाए। इसके बाद क्या पता सर आपके बाद इंशाल्लाह।